देश में पिछले 24 घंटों में 12,885 नए कोविड के मामले आए सामने, 461 लोगों की मौत, 15,054 लोग हुए ठीक। केरल में बुधवार को कोविड 19 के 7,312 नए केस रिपोर्ट। राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 49,87,710। देश में टीकाकरण की संख्या है 107,63,14,440। वहीं पिछले 24 घंटों में 30,90,920 लोगों को वैक्सीन दी गई। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,43,21,025 पहुंच गया। भारत में अब तक 4,59,652 लोग इस जानलेवा वायरस के शिकार हो चुके हैं। कोरोना के अभी 1,48,579 एक्टिव मरीज हैं। इसके अलावा 3,37,12,794 लोग इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। भदोही के गोपीगंज थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से बड़ा हादसा, घर में भयंकर आग लगने से 2 बच्चियों समेत 4 लोगों की मौत। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कंटेनर लदे ट्रोले ने 2 कैंटर में मारी टक्कर, बादलपुर थाना क्षेत्र के दादरी बाईपास की घटना। टिहरी के खाड़ी बाजार में कपड़ों के दुकान में लगी आग, आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक, दुकान की ऊपरी मंजिल आग की लपटों में घिरी, आग पर पाया गया काबू। हमीरपुर में खाना बनाते वक्त महिला की साड़ी में लगी आग, आग में मामूली रूप से झुलसी महिला, लेकिन आग के विकराल रूप लेने से घर में भी लगी आग, घर का सामान जलकर हुआ खाक, ग्रामीणों ने सबमर्सिबल से आग पर पाया काबू। विदोखर मेदनी गांव का मामला। सुल्तानपुर के करौंदी कला थाना क्षेत्र में एक तरफा प्यार में युवती पर तेजाब से हमला, घर के बाहर लेटी युवती के ऊपर युवक एसिड फेंक कर हुआ फरार। एसिड अटैक में युवती का चेहरा और हाथ गंभीर रूप से झुलसा, जिला अस्पताल में चल रहा घायल युवती का इलाज, आरोपी के परिजनों को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया। महोबा में झाड़ फूक के शक में सिरफिरे शख्स ने पिता के सामने ही उसके 5 साल के बेटे की हत्या कर दी, 2.5 साल की बच्ची को भी पटक पटक कर किया घायल, जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा बच्ची का इलाज। उन्नाव पुलिस ने मासूम के हत्यारों को किया गिरफ्तार, हत्यारे ने अपने बेटे के साथ मिलकर मासूम से दरिंदगी के बाद की थी हत्या, बाग में छिपाया था शव, आरोपी पर दर्ज है कई आपराधिक मुकदमे। रामनगर के मालधन क्षेत्र में अधेड़ की हत्या से सनसनी, घर से 30 मीटर दूर खेत में मिला शव, धारदार हथियार से गला काटकर की गई हत्या, अवैध संबंध और जमीन विवाद के चलते हत्या की आशंका। मथुरा में 2 दिन के अंदर 2 मासूम बच्चों सहित 1 युवक और 1 महिला की हत्या, बाकलपुर के जंगल में मिला महिला का शव, महिला के शरीर में मिले गोली के निशान, मौके पर स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। सड़क बनाने की मांग को लेकर लखनऊ में गांधी प्रतिमा पर धरना दे रहे विधायक राकेश प्रताप सिंह का आमरण अनशन शुरू, कहा जब तक सड़कों की मरम्मत नहीं होगी तब तक अन्न जल नहीं करेंगे ग्रहण। अयोध्या में सीएम योगी का विपक्ष पर वार, बोले पहले कार सेवकों पर चलती थी गोलियां, अब होती है पुष्प वर्षा। कब्रिस्तान बनाने पर खर्च होता था पिछली सरकारों का पैसा, मार्च तक गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना रहेगी जारी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर वार पलटवार जारी, सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भाजपा नेताओं को दी सलाह, कहा भाजपा पाकिस्तान में खोल ले अपनी शाखा, अतीत में जिन्ना का गुणगान भाजपा नेता भी कर चुके हैं।